सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगी न्यूज़, और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताज़ा खबरों के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है पूरा सच इस पूरी खबर का। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी को अवगत कराया जा चुका है कि लखनऊ में चल रहा है धरना, सभी संघ है एक बैनर के तले, और हम आपको और धरने के दूसरे दिन के अपडेट के बारे में बताते हैं। जैसा कि आज दिनांक 2 जून को गाजी जी के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा गतिमान उक्त आंदोलन का दूसरा दिन था। उक्त आंदोलन में आज सायं 5 बजे सचिवालय के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा गाजी जी से निम्नांकित शासनादेश मांग करके शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर गंभीरता प्रकट की। तारांकन उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए उस शासनादेश की प्रति, जिसके द्वारा उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ के शिक्षा मित्र को शिक्षक के पद समायोजन किया है। तारांकन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए उस शासनादेश की प्रति, जिसमें अपने यहां के संविदा शिक्षकों को स्थायी रूप से संविलियन करने हेतु आदेश जारी किया है। तारांकन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2017 को जारी किए गए उस शासनादेश की प्रति, जिसमें योग्यता बढ़ाने के लिए 4 वर्ष की छूट दी गई है। उक्त के क्रम में पदाधिकारियों ने यह भी आग्रह किया कि जो हमारे भविष्य पर स्थायी निर्णय लेने हेतु यूपी सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी का निर्णय हुआ है, उस पर गंभीरता पूर्वक यूपी सरकार विचार करे, जिसमें सभी को मुख्य रूप से समान कार्य का समान वेतन देने के लिए कमेटी द्वारा सुझाव दिया गया था। उक्त के क्रम में सभी पीड़ित शिक्षा मित्रों से आग्रह किया जाता है कि यदि आप सभी लोग को उक्त गतिमान सत्याग्रह आंदोलन में पहुंच करके योगी सरकार पर दबाव बनाने में सफल हुए तो विद्यालय खुलने के पहले जून के आखिरी सप्ताह में योगी सरकार आप सभी के भविष्य को लेकर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय अवश्य ले सकती है। यदि आप सभी के द्वारा आंदोलन में प्रतिभाग करके दबाव न सका तो सफलता मिलना असंभव हो जाएगा, इसलिए आप सभी लोग कल से भारी संख्या में पहुंचना सुनिश्चित करें, जिससे अति शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने के लिए योगी सरकार विवश हो जाए। तो दोस्तों ये था इस पूरी खबर का सच। अगर आपको ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जैसे